पहुंची देवशिला। पूजा अर्चना के बाद ट्रस्ट को सौंपी जाएंगी शिला। लोगों ने किया भव्य स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। अयोध्या मंदिर में स्थापित की जाने वाली राम लला की मूर्ति के लिए नेपाल की गंडकी नदी के देवशिला पत्थर लाए गए। नेपाल से 150 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ विष्णु अवतारित देवशिला रथ राम नगरी अयोध्या पहुंच गई। भगवान विष्णु का स्वरूप मानी जाने वाली देवशिला का राम नगरी में भव्य अभिनंदन किया गया है। यात्रा अयोध्या पहुंची तो यहां की फिजाओं में जय श्री राम का नाम गूंजने लगा। पुष्प वर्षा के साथ जमकर आतिशबाजी का भव्य नजारा देखने को मिला। आज इन देवशिलाओं को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। इससे पहले विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। शिलाओं को हस्तांतरित करने के लिए प्रतिनिधि के तौर पर नेपाल से जानकी धाम के मुख्य महंत और वहां के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि भी देवशिला के साथ आए। शास्त्र अनुसार पूरे विधि विधान से नेपाल सरकार की तरफ से ये दोनों प्रतिनिधि शिलाओं को श्री राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपेंगे। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के रूप में 5 सदी बाद राम भक्तों का स्वप्न साकार होता हुआ नजर आ रहा है। उसमें प्राण प्रतिष्ठित करने की तैयारी नेपाल की काली गंडकी नदी से प्राप्त शिला से हो रही है। देवशिला यात्रा की अगुवाई राम जानकी मंदिर नेपाल के महंत राम पतेश्वर दास, नेपाल सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि सहित विष्णु हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज व राम मंदिर के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने किया। यात्रा के साथ नेपाल से करीब 200 भक्त भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। देखिए, खुशी का दिन है और दो बड़ी और दो छोटी 4 शिलाएं आई हैं जो श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का रूप है और ये प्राण प्रतिष्ठित है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो शालिग्राम होते हैं स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं, इनको बनाने की जरूरत नहीं है, यही प्रतिष्ठित होंगे। हम लोगों में एक उमंग उत्साह है। ऐसा त्यौहार ये पहली बार देखा जा रहा है जिसका कोई नाम नहीं है और ये त्यौहार हम सभी लोग मना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जितना हमारे हिंदू समाज के लोग त्यौहार के रूप में मना रहे हैं तो उससे कम मुस्लिम समाज के लोग भी नहीं मना रहे हैं। पूरा अयोध्या का मुस्लिम खुश है और पूरे अयोध्या के वासियों की तरफ से और पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से मेरे तरफ से पूरे दुनिया वालों को मैं बधाई देना चाहता हूं और बधाई मैं उनको भी देना चाहता हूं जो सरहद उस पार बैठे श्री राम लला को कोस रहे हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं।